भोजपुरी फिल्म काजल के लिए आलोक कुमार ने गाना गाया है। इस फिल्म के निर्देशक ब्रजभूषण जल्द ही आदित्य मोहन और काजल यादव की जोड़ी को अपनी अपकमिंग भोजपुरी फिल्म काजल में लेकर आ रहे हैं। इसका भव्य मुहूर्त हाल ही में मुंबई में पूरा किया गया है। भोजपुरी फिल्म काजल के लिए गायक आलोक कुमार ने शनिवार को अपनी आवाज में एक गाना भी रिकॉर्ड किया। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद आलोक कुमार ने कहा है कि मुझे जब फिल्म काजल में गाने का ऑफर आया तो मैंने ब्रजभूषण जी का नाम सुनते ही इस गाने को करने की हामी भर दी। मुहूर्त के दौरान सभी ने फिल्म को लेकर ब्रजभूषण की सराहना की है। निर्देशक ब्रजभूषण की माने तो फिल्म काजल एक बेहद ही पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसकी कहानी और पटकथा होगी, जो एक अलग लेवल की है। फिल्म में गाने और संवाद भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। जहां तक बात कास्टिंग की है तो आदित्य मोहन और काजल यादव के रूप में हम एक बेहद फ्रेश जोड़ी पेश कर रहे हैं। उम्मीद है दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब होगी और लोगों के दिलों में भी बस जाएगी। तो वहीं प्रोड्यूसर आदिल अहमद ने बताया है कि फिल्म काजल के म्यूजिक डायरेक्टर एस कुमार हैं और ईपी सम्स का संगीत है। फिल्म के आर्ट डायरेक्टर अंजनी तिवारी हैं। फिल्म के पीआरओ संजय भूषण पटियाला होंगे। फिल्म की शूटिंग भी जल्द शुरू हो जाएगी और फिल्म अगले साल रिलीज होगी। जाते जाते बता दें कि आलोक कुमार की इंडस्ट्री में आजकल खूब चलती है और आलोक को निरहुआ इतना पसंद करते हैं कि निरहुआ अपनी हर फिल्म में आलोक का एक गाना जरूर रखते हैं और वो गाना ही उस फिल्म का यूएसपी साबित होती है, क्योंकि वो गाना फिल्म रिलीज से पहले ही काफी हिट हो जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।